नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लाया हूं। देखिए दोस्तों, दो 5-पिन सॉकेट है और दो स्विच, साथ में एक पॉइंट का वायरिंग दिखाऊंगा आपको एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 5-पिन सॉकेट, दो स्विच और एक पॉइंट का वायरिंग दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इस स्विच का ऊपर का टर्मिनल से सॉकेट का जहाँ पे एल है, एल के साथ हम पहले कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्विच का ऊपर का टर्मिनल पे मैंने वायर है जो ये वायर जो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, सॉकेट का जहाँ पे एल है, एल का साथ में जो पॉइंट का जो सॉकेट का जहाँ पे एल है, एल में जो पॉइंट का जो वायर है हम मैंने रेड कलर वाला मैंने कनेक्ट कर लिया। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। देखिए दोस्तों, इस स्विच का ऊपर का टर्मिनल पे ये वायर कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप है देखिए दोस्तों, और आप अच्छी तरह हम स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। ठीक है, और लॉक कर लूँगा। और देखिए सॉकेट का जहाँ पे एल है, एल का साइड में आप ये जो वायर है कनेक्ट कीजिए, एल का साइड में आप ये जो वायर है कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं अभी उसको अच्छी तरह मैं स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ क्योंकि स्पार्क ना हो। ठीक है, और लॉक कर दीजिएगा। सेकेंड स्टेप क्या करना है, स्विच के नीचे का टर्मिनल पे क्या करेंगे, फेस का वायर कनेक्शन के लिए मैंने वायर कट के रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए स्विच के नीचे का टर्मिनल पे मैंने जो फेस का जो वायर कट के रखा था वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और आप क्या करेंगे, अच्छी तरह स्क्रू को टाइट कर लीजिएगा क्योंकि जब स्विच ऑफ ऑन करेंगे तब ये स्पार्क हो सकता है, तो इसीलिए आप क्या करते हैं, अच्छी तरह आप स्क्रू को टाइट कर लीजिएगा। तब भी आप क्या करेंगे, अच्छी तरह टाइट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अच्छी तरह मैंने स्क्रू को टाइट कर। देखिए जो थर्ड स्टेप क्या करना है, ये जो चॉकेट का जहाँ पे एन है, एन पे जो ब्लैक कलर का वायर है, न्यूट्रल का वायर आप क्या करेंगे, कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों थर्ड स्टेप, सॉकेट का जहाँ पे एन है, एन पे जो ब्लैक कलर का वायर न्यूट्रल है, न्यूट्रल आप कनेक्ट कर लीजिएगा। और आप क्या करेंगे, इस तरह का जो सॉकेट है, सॉकेट का जहाँ पे एन पे जो ब्लैक कलर का वायर है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल आप क्या करेंगे, कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। देखिए दोस्तों, ई है, ई का मतलब है अर्थिंग है, अर्थिंग के लिए मैंने ग्रीन कलर का वायर कट के रखा है। ठीक है, तो क्या करता हूँ, मैं ग्रीन कलर का वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और अच्छी तरह मैं स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए स्क्रू को टच कर लिया और लॉक कर दीजिएगा, मतलब है अर्थिंग है, अर्थिंग पे ये जो वायर है आप कनेक्ट करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है, देखिए दोस्तों इस सॉकेट के लिए ये स्विच है, इस सॉकेट के लिए ये स्विच है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए एक पॉइंट के लिए मैंने होल्डर बना के रखा है, उस होल्डर में दो वायर है, एक फेस और न्यूट्रल। ठीक है, तो क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों इस पॉइंट पे जो पॉइंट का जो वायर रेड कलर है, फेस का वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, और क्या करता हूँ, अच्छी तरह मैं स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ। ये पॉइंट का है, देखिए दोस्तों ये पॉइंट का है, और देखिए जो ब्लैक कलर का वायर है, न्यूट्रल है। देखिए दोस्तों, ये जो न्यूट्रल है हम क्या करेंगे, इस सॉकेट का जहाँ पे एन है, एन मतलब ब्लैक कलर, ब्लैक कलर एक साथ में हम कॉमन करके न्यूट्रल कॉमन करके रखेंगे। ठीक है, और मैं अच्छी तरह स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ क्योंकि स्पार्क हो सकता है, तो इसीलिए आप अच्छी तरह टाइट करके आप क्या करेंगे, लॉक कीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए दोस्तों पावर सप्लाई चाहिए, पावर सप्लाई तीन तार लेना पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये रेड कलर वाला फेस का है, और जो ब्लैक कलर है न्यूट्रल है, और जो ग्रीन कलर है अर्थिंग है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, जो रेड कलर फेस का वायर है, जो पावर सप्लाई का जो रेड कलर का, इस स्विच के नीचे का टर्मिनल पे ये जो फेस का वायर है हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे का टर्मिनल पे मैं पावर सप्लाई दूंगा। देखिए दोस्तों, पावर सप्लाई का जो रेड कलर का वायर है हम यहाँ पे कनेक्ट करके मैं अच्छी तरह इस स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, पावर सप्लाई का जो फेस का वायर है रेड कलर का, मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई का वायर कनेक्शन कर लिया है, और देखिए ये जो ब्लैक कलर का वायर है न्यूट्रल है, न्यूट्रल हम क्या करेंगे, इस सॉकेट का जहाँ पे एन मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल का साथ में हम एक साथ में कॉमन करेंगे। देखिए दोस्तों, एन का मतलब है न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रल हम एक साथ में कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, और आप क्या करेंगे, अच्छी तरह हम न्यूट्रल का जो स्क्रू है एन को हम अच्छी तरह टाइट कर लेता हूँ। ठीक है, और देखिए ये हो गया आपका अर्थिंग, अर्थिंग हम क्या करेंगे, इस सॉकेट का जहाँ पे ई है, ई पे हम एक साथ में कॉमन करेंगे, अर्थिंग में एक साथ में हम अर्थिंग का कॉमन करेंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे, अच्छी तरह हम, देखिए दोस्तों इस अर्थिंग को अच्छी तरह हम स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। ठीक है,
देखिए दोस्तों अभी वायरिंग कंप्लीट हो गया। दोस्तों हम लोग अभी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पावर सप्लाई के लिए मैंने थ्री पिन टॉप यूज किया है। थ्री पिन टॉप में जहाँ पे एल है, एल में मैंने रेड कलर का फेस का वायर कनेक्शन किया है और एन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल में मैंने ब्लैक कलर का वायर कनेक्शन किया है और जहाँ पे ई है, ई का मतलब है आर्थिंग, आर्थिंग में मैंने ग्रीन कलर का वायर कनेक्शन किया है। ठीक है, चलो मैं पावर सप्लाई कनेक्शन करके मैं अभी टेस्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने पावर कनेक्शन कर लिया है, मैं पावर ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने पावर ऑन कर दिया। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों इस पॉइंट को मैं पहले टेस्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों ओके है। ठीक है दोस्तों, अब मैं अब इस पॉइंट के लिए मैं टेस्ट करता हूँ जो फाइव पिन चॉकेट है, फाइव पिन चॉकेट के भी मैं टेस्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों ओके है। और देखिए इस तरफ का भी ये देखिए ओके है। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।